महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल को लेकर लॉकडाउन की संभावना, उद्धव ठाकरे ने आज फिर बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा मामले आए सामने, मुंबई में एक दिन में 9,327 नए मामले दर्ज। नागपुर में कोरोना का कहर जारी है, नागपुर में 5,131 नए केस आए सामने, 65 लोगों की मौत। पुणे में पिछले 24 घंटे में 9,864 कोरोना के नए मामले आए सामने, 82 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में एक दिन में 7,897 नए केस आए सामने, 24 घंटे में 39 लोगों की हुई मौत। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अंतिम संस्कार में 20 और शादी समारोह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली में नई पाबंदियों का ऐलान, 30 अप्रैल तक लागू। देश में बेलगाम हो रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,384 नए मामले आए सामने, 794 लोगों की मौत दर्ज की। देश भर में आज से टीका उत्सव शुरू, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, गोरखपुर में तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बड़ी रफ्तार, बीते 24 घंटे में प्रदेश में 12,787 नए मामले आए सामने, एक दिन में 48 लोगों की हुई मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव, गोविंद माथुर की पत्नी भी हुई संक्रमित, अब हाईकोर्ट में होगी ऑनलाइन हियर। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना का कहर, केजीएमयू के करीब 100 डॉक्टर कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में कोरोना टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट बनाने का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 2 जालसाजों को दबोच लिया। यूपी के मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू, सार्वजनिक जगहों पर किया गया छिड़काव। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में कोविड के 1,233 नए मामले आए सामने, देहरादून में नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 4,986 मरीज, इंदौर में 912, भोपाल में 736 केस, 24 घंटे में 24 मरीजों ने तोड़ा। एमपी के इंदौर और उज्जैन में 19 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले कोरोना के 14,098 पॉजिटिव केस। कोरोना टेस्टिंग के मामले में देश के कई राज्यों से आगे निकला छत्तीसगढ़, प्रदेश में रोजाना हो रहे हैं 39,000 से ज्यादा टेस्ट। रांची सचिवालय में कोरोना ब्लास्ट, नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन के 90 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी संक्रमण। रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी, टेस्ट नहीं कराने वालों को 7 दिन का पेड क्वारंटीन। बिहार में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 3,469 नए मामले आए हैं सामने, 6 लोगों की हुई है मौत। पटना में 24 घंटे के अंदर 1,431 नए मामले। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से गया के महाबोधि मंदिर को बंद किया गया, श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक। झारखंड में कोरोना के 2,373 नए मामले आए हैं सामने, संक्रमितों की तादाद 1.37 लाख के पार, जबकि रांची में मिले 904 मरीज। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 3,294 नए मामले आए सामने, जबकि 58 मरीजों की मौत हुई। पंजाब में वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर बोले स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू, कहा आज मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन की 4 लाख डोज। हरियाणा में कोरोना के चलते स्कूल बंद करने के सरकार के फैसले के विरोध में लामबंद हुई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हर हाल में प्राइवेट स्कूल खोलने की बात कही। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,011 नए मामले, जबकि 2,525 मरीज हुए डिस्चार्ज। तमिलनाडु में कोरोना के 5,989 नए मामले आए सामने, पिछले 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 6,995 नए केस, जबकि 39 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू, बेंगलुरु, मैसूरू, मैंगलोर और साथ ही कलबुर्गी समेत कई जगह पर नाइट कर्फ्यू। मैसूर में कोरोना को लेकर सख्ती, नाइट कर्फ्यू के दौरान घोड़े पर गश्त करते दिखे पुलिसकर्मी। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 76.16% तक हुई वोटिंग, चौथे चरण में 44 सीटों पर डाले गए वोट। कूचबिहार में हिंसा के बावजूद बंपर वोटिंग, बंगाल के कूचबिहार में सबसे ज्यादा 80% मतदान। हिंसा के बाद कूचबिहार में चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक नेताओं की एंट्री पर लगाया पूरी तरीके से बैन, मृतकों के परिजनों से मिलने वाली है ममता बनर्जी। इलेक्शन कमीशन की रोक के बावजूद ममता बनर्जी मृतक के परिजनों से मिलने पर अड़ी हैं, आज सुबह 10 बजे मृतक के परिजनों से मिलेंगी ममता बनर्जी। कूचबिहार हिंसा पर चुनाव आयोग ने दी रिपोर्ट, चुनाव आयोग ने कहा 300 लोगों ने सीआईएसएफ जवानों को घेर लिया था। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में कहा ईवीएम और खुद के बचाव में चलानी पड़ी गोली, जवानों पर हमला करने पर आतुर थी भीड़। कूचबिहार हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा कूचबिहार हिंसा के जिम्मेदार गृहमंत्री।
ममता बनर्जी ने कहा गृह मंत्री ने हिंसा की साजिश की, अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कूचबिहार की घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जताया दुख, घटना के विरोध में आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन बुलाया। बंगाल में पांचवें चरण के चुनाव के लिए टीएमसी का चुनाव प्रचार हुआ तेज, आज ममता बनर्जी की जलपाईगुड़ी में 3 चुनावी जनसभा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की ओर से कंपनियां होंगी तैनात, 71 और कंपनियों को बंगाल में किया जाएगा तैनात। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ की और कंपनियां होंगी तैनात, हिंसा और बवाल के मद्देनजर गृह मंत्रालय का फैसला। ओवैसी ने कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2020 में लॉकडाउन पर कसा तंज, कहा नरेंद्र मोदी बोले घंटी बजाओ थाली बजाओ कोरोना भाग जाता है। चुनाव आयोग से मिला लेफ्ट डेलीगेशन, वोटिंग के दिन पीएम और सीएम की रैली पर रोक लगाने की मांग। असम में 3 विधानसभा सीटों के 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा होगा मतदान, 20 अप्रैल को इन बूथों पर डाला जाएगा वोट। ऑडियो क्लिप पर प्रशांत किशोर की सफाई, कहा बीजेपी पूरा ऑडियो जारी करे, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ऑडियो क्लिप पर गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला, कहा दीदी के चुनावी सलाहकार ने हार स्वीकार ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, आंदोलन स्थगित करें किसान तो किसी भी वक्त कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार है। कुलगाम के हाथीपोरा और साथी अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी, एक आतंकी। दिल्ली के बुधविहार इलाके में दिनदहाड़े हत्या, बीच सड़क पर पति ने पत्नी के चाकू से गोदकर की हत्या। महिला पर उसके पति ने 25 बार चाकू से किया हमला, पुलिस के मुताबिक महिला पर शक करता था। उड़ीसा के मयूरभंज में 15 फीट गहरे कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, जेसीबी मशीन की मदद से किया गया रेस्क्यू। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की आज फिर बैठक, इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल को मिल सकती है हरी झंडी, कल की बैठक में नींव में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर हुई चर्चा। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, चल अचल संपत्तियों का पता कर होगी कुर्की की कार्रवाई। हरा में सड़क हादसे में 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत के बाद बवाल करता नजर आया, नाराज लोगों ने सीओ की गाड़ी को आग के हवाले किया। चावा सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 30 घायल, श्रद्धालु से भरी डीसीएम पलटने से हादसा, बच्चों महिलाओं समेत करीब 60 श्रद्धालु बाद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इटावा में हुए सड़क हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं 4,401 नए पॉजिटिव केस, जयपुर में सबसे ज्यादा 657 नए मरीज। कोरोना से प्रभावित 33 लाख असहाय परिवारों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर 3500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की बड़ी किल्लत, आज से प्रदेश के 90% से ज्यादा सेंटर पर नहीं लगेगी वैक्सीन। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, कहा राजस्थान में वैक्सीन की नहीं आने देंगे कोई कमी। शंभू पुजारी मर्डर केस को लेकर किरोड़ी लाल मीणा की पुलिस से हुई झड़प, कहा किसी भी सूरत में पुलिस के हवाले नहीं करेंगे शव। शंभू पुजारी को न्याय दिलाने के लिए निकाली लालटेन यात्रा, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। राजस्थान राजस्व मंडल में रिश्वत का खेल जारी है, एसीबी ने सुनील शर्मा को 80 लाख की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा। जम्मू में साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश, करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को दबोचा। बिहार में बढ़ रहे मामलों के बाद हरकत में आई सरकार, शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानों को बंद करवाने के लिए जगह जगह चलाया गया अभियान। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में पति पत्नी सहित 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सैमसंग ने लॉन्च किया दुनिया का पहला विथ ऑल स्मार्ट मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर और स्मार्ट टीवी दोनों की तरह करेगा काम। नोकिया ने लॉन्च किया नोकिया लाइट ईयरबड्स, एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक कर सकते हैं इस्तेमाल। बीएसएनएल ने 398 रुपए वाला प्लान में किया है बदलाव, अब 90 दिनों तक ग्राहकों को मिलेगा इस प्लान का फायदा। वित्त वर्ष 2020-21 में 9.1% तक घटी पेट्रोलियम की खपत, लगभग 20 साल बाद पहली बार हुई बिक्री में गिरावट। जल्दी महंगा हो सकता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, 15 से 30 अप्रैल के बीच प्रीमियम बढ़ाने की योजना बना रही है कंपनी। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने
ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ रहे जीत के हीरो। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स 190 रन बनाए। आईपीएल में 15 रन से शतक चूकने के बावजूद शिखर ने बनाए कई रिकॉर्ड, कोहली को भी पछाड़ा। इस मैच में शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच, वहीं पावर प्लेयर ऑफ द मैच पृथ्वी शो ने अपने नाम दर्ज किए। एमएस धोनी ने पहले मैच में किया फैंस को निराश, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खोल सके खाता। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में स्टीव स्मिथ को नहीं मिली है जगह, स्मिथ को प्लेइंग 11 में ना देखकर फैंस ने किया। युवा सनसनी अंशु और सोनम टोक्यो खेलों के लिए हुए क्वालिफाइड, विनेश फोगाट समेत कुश्ती में भारत को 3 महिला खिलाड़ी टोक्यो खेलों में अपना दावा पेश करे। सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की नई तस्वीरें, सफेद रंग की डिजाइनर ड्रेस में दिखी सोनम, फोटो में दिखा सोनम का ग्लैमर। उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया नया वीडियो, वीडियो में अनोखे लुक में नजर आई उर्वशी, फैंस को भाया उर्वशी का लुक। एक्ट्रेस मौनी रॉय की नई तस्वीरें आई सामने, रेगिस्तान में दोस्तों के साथ मस्ती करती दिखी मौनी, वायरल हुई तस्वीर। नोरा फतेही ने शेयर किया नया वीडियो, नोरा के सिजलिंग अंदाज ने जीता फैंस का दिल, फैंस ने की नोरा के लुक की तारीफ। इंस्टाग्राम पर छाया टाइगर श्रॉफ का बोल्ड अंदाज, वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा गो कोरोना गो, हंस पड़े। ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस के प्रसार के बाद वहां के कई इलाकों में लगा लॉकडाउन, कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कारोबारी गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी पर एक्शन, $13 लाख। 3 दिन के लिए चला मंगल ग्रह पर नासा के हेलीकॉप्टर का फ्लाइट टेस्ट, अब 14 अप्रैल या उसके बाद मंगल ग्रह पर पहली उड़ान की कोशिश करेगा। सड़क के किनारे बैठ खाने का मजा ले रहे थे दो शख्स, अचानक से ही बदला मौसम का मिजाज, पड़ने लगे ओले, छतरी पकड़कर बचे दोनों शख्स।